कैसे सबर करो यार। हौसला रखे, बहुत के आगे सब बेबस है भाई। शायद अल्लाह पाक की यही मर्जी थी भाई, आप ही हिम्मत तोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। हौसला रखे भाई, प्लीज हौसला करें। चले भाई, प्लीज चले। बेगम साहबा रोज चादर बदलवाती थी, बड़ी सफाई पसंद खातून थी वो। अम्मा के सामान को ऐसे ही रहने देना। साहब जी, मैं क्या करूं, काम छोड़ दूं क्या? बेगम साहबा तो अब रही नहीं है। अगर तुम नहीं रहोगी तो ये घर कैसे चलेगा? इतनी जल्दी इस घर को आदत हो गई है तुम्हारी। उमा, जी 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 साहब जी, इधर आओ। क्यों क्यों साहब जी? जरूरी बात करनी है तुमसे, इधर आकर बैठो। जी जी बोले साहब जी। हुमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी? ये मेरी खुश नसीबी होगी साहब जी, लेकिन मैं एक नौकरानी हूं। बाद में जब लोग बातें बनाएंगे तो मैं आपको बुरी लगने लगूंगी। तुम्हारी ज़हनियत बहुत अच्छी है उमा, तुम किसी भी तौर पर नौकरानी के लेवल पर नहीं हो उमा। वो तो हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया। देखो, मैं बहुत मुख्तलिफ किस्म का इंसान हूँ। पिछले 6 माह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हकबार करता हूँ मैं तुम पर, बोलो शादी करोगी मुझसे? जी शारिफ साहब, मैं करूँगी आपसे शादी। अगर कोई बात छुपानी है तो शादी मत करना मुझसे, सच बताओ। किसी से मोहब्बत या मंगनी वगैरह रही है? साहब जी, वालदैन के इंतकाल के बाद से बहुत सख्त जिंदगी गुजारी है मैंने, इन सब कामों के लिए कभी फुर्सत ही नहीं मिली। मेरा किरदार बिल्कुल बेदाग है साहब जी। शारिफ, खैरियत तो है, क्यों बुलाया मुझे? वो अंकल, मैं हुमा से शादी कर रहा हूं। क्या भाई, ये क्या कह रहे हैं आप, एक एक नौकरानी से? देखो यासिर, नौकर भी इंसान होते हैं, वो अच्छी लड़की है, घर को संभाल लेगी। और खानदान वाले क्या कहेंगे? अंकल, जब अम्मी बीमार थी तो किसी ने क्या पूछ लिया? मुझे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लेकिन भाई,
हम तो कुछ भी नहीं जानते इसके मुतालिक, मेरा मतलब उनके मुतालिक। अंकल आप तो काफी अरसे से जानते हैं ना उसे। मैं भी बस कुछ पिछले दिनों से जानता हूँ, एक साल पहले मेरे घर में मुलाजमत करती थी। हाँ अलबत्ता उसका घर देखा हुआ है मेरा। देखिए अंकल मामला बहुत नाजुक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप और यासिर जाकर उसके घर पर कुछ मालूमात कर लें। भाई आपने अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें अब बता रहे हैं। देखो यासिर मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे घरेलू लड़की चाहिए यार। ठीक है। एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता पड़ा है भाई साहब के लिए, मगर उन्हें पसंद भी आई तो ये एक दो कॉलेज की नौकरानी। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है भाई पर अंकल। छोड़ो यार, जब उसने फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं, खुद भुगतेगा। मगर अंकल पता नहीं कैसे घटिया लोग होंगे वो। वो सामने घर है उसका, आओ चले। बज़ाहिर तो कमजोर और शरीफ लोग लगते हैं, ये खाला का बेटा है कोई 20-22 साल का, मिल में मुलाजमत करता है, घर से तो गुर्बत ही टपक रही थी। शारिब उठे ना, देखिए अब तो दिन भी चढ़ गया है। सोने दो यार। अच्छा जी, तो शादी के 2 दिन बाद ही आप मुझसे इतना बेजार आ गए कि सोए जा रहे हैं। अच्छा जनाब, ये लौट गए, आप बताओ क्या करना है। अब आप सीधी तरह जाके जल्दी से फ्रेश हो जाएं, आज हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे। इस वक्त कौन आ गया, मैं देखता हूँ उनको। अंकल आप इस वक्त अचानक, खैरियत? खबर मिली है तुम्हारी बीवी की, पहले भी शादी हो चुकी है, अहम खबर थी इसलिए मैं खुद आ गया। क्या मतलब कल, आपको गलत फहमी हो रही है, आपको किसी ने गलत इल्जाम दिए, मैं अभी पूछ रहा हूं उससे। उमा तुम्हारी शादी पहले भी हो चुकी है क्या? नहीं तो सीधे तरीके से बता दो, तुमने फ्रॉड किया हमसे। मुझे तस्लीम खाला ने आज ही बताया है, वही तस्लीम खाला जिसने मेरे घर पर काम के लिए रखवाया था तुझे। ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे शारिब, मुझे माफ कर दे। ये सच है कि मेरी शादी हो गई थी पहले, लेकिन शादी के 2 माह बाद ही मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। अगर मैं आपको ये सच बता देती, आप मुझसे कभी शादी ना करते। बकवास बंद करो और कब आ जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दे शारिब, मुझे माफ कर दे। शारिब मैं बेसहारा थी, मुझे सहारे की जरूरत थी, मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं बहुत मजबूर थी, मैंने इसलिए शादी कर ली थी। शारिब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, शारिब मुझे खुदा के लिए घर से ना निकाले। और ही फैसला मत करो, थोड़ा समझ लो। सही कह रही है, इसकी खाला ने यही बताया। खुदा के लिए मुझे मत धुतकारें शारिब। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मैं देखता हूँ। Mm-hmm.
हुमा कौन है भाई, तू कहाँ घूमा चला जा रहा है? हुमा हुमा कहाँ हो तुम? बाहर निकलो हुमा, कहाँ छुपी बैठी हो? बाहर निकलो हुमा, बाहर निकलो। ये तो शाकिर की आवाज है। ओ भाई कौन हो तुम और इतना शोर के साथ में मचा रहे हो? हुमा कहाँ हो तुम, कहाँ छुपी बैठी हो? बाहर निकलो। क्या हो रहा है, कौन हो तुम? शोर हूँ उमा का, सुने उसने निकाह पे निकाह कर लिया है। ओ बकवास बंद कर अपनी, तू जानता जिसके बारे में बात कर रहा है वो भाभी है मेरी। मेरी बीवी मुझे वापिस दे दो वरना इतना शोर करूंगा पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगा यहाँ पे, समझ लो। सर आराम से बैठ के बात करते हैं ना। हाँ अंदर चलो, अंदर चलो। भाई ये सब चल और शारिफ बाहर चल। शारिफ नहीं, शारिफ शारिफ ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद मुझे तलाक दी थी। बकवास बंद करो और सीधी तरह मेरे साथ घर चलो, काफी दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। रुको, तलाक के पेपर हैं तुम्हारे पास? मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है, इसने मुझे मुंह जबानी तलाक दी थी। झूठ मत बोलो, अब यहाँ पुलिस आएगी। रुको मेरी बात सुनो, देखो अगर ये पुलिस में चला गया तो मामला शरीयत कोर्ट में चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ कुछ ले देकर मामला रफा दफा करो। तो मैं इसने तलाक दी थी? सच सच बोलो। देखो पहली गलती तो मैं तुम्हारी माफ कर सकता हूँ लेकिन दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। शार मेरी बात का यकीन करे, मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे खुद तलाक दी थी। ठीक है तो इसे मेरे सामने तलाक दो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सीधे साधे गरीब लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है। पता नहीं अंकल आखिरकार भाई को हुआ क्या है। साहब एक राज की बात बतानी है आपको। राज? कैसा राज? पहले 10,000 रुपए दे फिर बताऊंगा। ये लो और अब बताओ। हुमा जो है तलाक याफ्ता है और उसके शौहर का नाम शाकिर था। ओहो तुम एक काम करो हमें घर बताओ उसका कहाँ है। देखा अंकल मैंने पहले ही कहा था, आए चले। भाई मेरा नाम नहीं ले। फिक्र रहो अच्छा हुआ मालूम हो गया अंकल, मैं तो भाई को पहले ही मना कर रहा था। मना करने का कोई फायदा नहीं, शारिक उससे मोहब्बत करता है। कुछ पैसे कमाने हैं तुमने, समथिंग 20-25 लाख रुपया। 20-25 लाख? क्या मतलब अंकल? हम शाकिर से मिलते हैं और उसे 1-2 लाख रुपए का लालच देकर तुम्हारे घर भेजते हैं और वो वहां जाकर कह देगा कि मैंने हुमा को तलाक नहीं दी, निकाह पर निकाह किया है। अरे उसने हुमा को मुंह जुबानी तलाक दी है, हुमा के पास कोई सबूत नहीं है और शारिफ सीधा साधा लड़का है, यकीनन वो मामला रफा दफा करने के लिए शाकिर को 25 लाख रुपए तो दे गई। लेकिन अंकल अगर भाई ने गुस्से में आके हुमा को तलाक दे दी तो फिर? तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो पहले ही नाराज हो उसकी शादी पर। वाह अंकल बड़ा साजिशी दिमाग है आपका। चलें फिर ठीक है हम ये गेम खेलेंगे, आखिर कब तक मैं भाई से ही पैसे मांगता रहूंगा। जितने भी मिलेंगे आधा आधा। अरे डन है, चले फिर ठीक है शाकिर से मिल लेते हैं। और वैसे भी ताजा ताजा 5 लाख रुपए डुबो के बैठा हूँ, कम से कम पैसों का कुछ आसरा तो होगा। चलें फिर चलते हैं। बीस लाख रुपए चाहिए और वो भी कैश। ठीक है कल आके 20 लाख ले जाना और तलाक के पेपर पर साइन कर देना। ये लो और साइन करो। पहले पैसे तो दो।
नैपकिन लो। 20 में से 2 लाख शाकिल ले जाएगा, बाकी हम दोनों के पास आए 9-9 लाख। अगर मैं भाई को सच बता दूं कि ये सब फरीद अंकल की साजिश है तो भाई खुशी से इससे बड़ी रकम मुझे दे देगा और एतबार भी ज्यादा करने लगेगा। रुक, पैसे दे दर। क्या कर रहे हो यासिर? आप तो चुप कर जाए, मुझे शर्म आती है आपको अपना अंकल कहते हुए। भाई ये सारी प्लानिंग अंकल की है। याद है जिस रोज आपने मुझे भाभी की तहकीक करने भेजा था, उस रोज कल मेरे साथ थे और सोसू अंकल मैंने आप पर भरोसा किया और आप चले जाइए आप दोनों यहां से, और आज के बाद मेरे घर पर कदम रखने की जरूरत नहीं है। जाइए यहां से, निकलो। बहुत अच्छा किया यासिर, जो अंकल की हकीकत तुमने मेरे सामने खोल दी। मुझे तुम पर फखर है, बात करता हूं मैं तुमसे। तुमने मुझे एक सच और एक झूठ बोला था, लेकिन मुझे पता चल गया है कि शाकिर ने तुम्हें तलाक दे दी थी। लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दे शारिफ, मुझ जैसी गरीब और तलाक याफ्ता नौकरानी को कोई कबूल नहीं करता। बस इसीलिए मैं बहुत डर गई थी। चलो खत्म करो, लेकिन आइंदा मुझसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है? आप तो खुश हो, चलो अब रखो इसको।